सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रिधिमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग आए हुए मेन नाना जी के यहाँ, तो ये सभी आई है। हाय, ये बुआ है, जाओ सबसे मिला लो। हेलो हेलो हेलो, ये नाना जी है। क्या कर रही हो तुम? ये पर नाना जी है। हेलो हेलो, सो देयर इज अ कैट, मैं उससे भी मिलवा दी। कुछ तो बोलिए। मैं क्या वर्क है, तैयार हो गई तुरंत बोलने के बाद? कुछ तो बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? बोलने लायक है कहाँ? अरे सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारा तो सब ज्यादा है। ये ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे परम पवित्र होता है, परम निकट होता है। इसके बावजूद इसमें बीच में कोई ना कोई एक पर्दा जरूर है। पर्दे के इधर, पर्दे के उधर, दीवार खुलती हो, पर्दे को खींचो उधर चले जाओ, पर्दे को खींचो इधर। मैं भी पर्दे की तरह इधर उधर हो रही हूँ। फिलहाल तुम्हारा भी तो नहीं करूँगी दो। ये तुम इनके दादों के साथ रहा? हाँ हाँ। अरे नानाओं से बात नहीं करी? एक परनानी उधर है, परनानी है, छुट्टी थी। आज नाना जी कैमरामैन बने हुए हैं। आज सीखो नाना जी से कैसे कैमरा पकड़ते हैं। क्या करते हैं वैसे? सही में ना YouTube का काम इन्होंने ही हमको सिखाया था। अच्छा उस दिन में जब इसके आ गया थी बगड़ी सगाई वाला था, मैं समझा था हवा चल रहा है। दवाई वही काय नहीं करवा देते हैं आप लोग? ले हो उधर देख लीजिए भैया, कह रही है कि दवा दारू नहीं चल रहा है। दवा सजीव सर दवा है जी, ना अभी जमाने लगता है क्या होगा दान दवा है। नहीं तब आज गिरेंगी पकड़ रही, पता है बार बार उठ रही है, हमको डर लग रहा है। क्या है? अरे तुम लोग अटारी जम गए कहां? सब लोग जुड़ो, वीडियो दिखा रहा है। देखिए ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। ये क्या नाम बताया था? शैलेंद्र कुमार, और आजाद भी हैं ये। अच्छा, लेकिन ये हम लोगों के बीच में एक अटूट एक वो है, एक कड़ी है। हाँ। उस कड़ी को जोड़ने वाले ये बिहार में जब कभी भी आप जाइएगा। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, 20 वर्ष से मैं जानता हूँ। चुटकी चुटकी तुम्हारा, ये भाई तुम्हारा रिकॉर्डिंग चल रहा है? ऐसे रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो देखो। 4 मिनट 15 मिनट की हो गई रिकॉर्डिंग। सबसे मिला दिया आपने मम्मी वगैरह से? हाँ। और ये हमारी चुटकी है। क्यों चुटकी? और आज क्या नाम? चुटकी बोलो, ये हमारे नाना जी हैं। अरे एक और चुटकी कहाँ गई? एक और चुटकी। अच्छा पहले ये तो आज बता दीजिए कि आज क्या है? आज हमारा जो है, हमारे चाचा जी गुजरे तो आज 12वीं है और कल 13वीं होगा, तो 13वीं में जो है हम लोग पीपल के पेड़ में पानी डालते हैं। और हमारे इलाके में मतलब 12 दिन का वो चलता है, तो आज ब्रह्म भोज होता है, फिर लोग खाते हैं।
तो ये आज मतलब ऑफिशियली तो कहते हैं कि आत्मा जो है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होना होता है, सब आज हो जाता है और कल आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहे खुश रहे, खुश रहे। तो ये बेसिकली आज सारा रिद्धिमा का ननिहाल परिवार है, ननिहाल पक्ष है, यस यस, है ना? हाँ, पूरा। तो अब आप सबसे वन बाय वन करके सबसे परिचय करा दीजिए हमारे चैनल के, हमारे क्योंकि नाना जी तो यही है ना, सबसे परिचय करा दीजिए, उधर कौन सी नानी है, इधर मौसी जी, इधर नहीं इधर और लोग आएंगे नहीं, तो ये देखिए ये सन, ये क्या रिश्ते में क्या कहोगे मैं नानी लगूं किसकी, ये संजू भैया की वाइफ की सिस्टर है, ये मौसी है, दोनों दोनों रिधिमा की नानी लगेगी, नानी ही लगेगी, ये तो बहुत बड़ी राजगद्दी मिल रही है। और ये कौन, ये मामा लगेगा, हाँ ये रिधिमा का मामा, वो नानी है, इनकी जो मम्मी है वो नानी, नानी। और ये, और ये हमारे जो भाई साहब है उनकी सास है, नानी पर नानी पूछ रहे थे, हाँ ये दोनों सिस्टर है ना, ये भी तो नानी लगे, नानियों की नानी सबसे बुढ़ी अंदर है, उनसे मिला गया, उनसे मिला, रिधिमा रिधिमा की पर नानी, इधर देखा, ये देखो एकरा में देखो, ये देखो, ये रिधिमा की पर नानी है, हमारा कामारिया चल लेन जाता है, नानी कहाँ है, ये दिन देखो, बाहर चल वो देखिए, लेके चल वो बाहर, बाहर ले जाओगे, हाँ ये जो है ना इनको थोड़ा सा, इधर देखा नहीं, इधर देखो, इधर देखा।